अगर आज के टाइम रिलीज हुई होती तो कितना कलेक्शन करती ये मूवी। किस एक्टर के पहली सुपरहिट मूवी बनी थी जुगनू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राफ वीडियोस में। हमने पहले भी कहा था कि पुरानी फिल्मों का जादू ही अलग होता है और जब उस फिल्म में दिलीप कुमार हो तब तो फिल्म और स्पेशल बन जाती है। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में इंडिया की पिछली जो पहली मूवी तौर पर पहचानी जाने वाली मूवी राजा हरिश्चंद्र की खबर के बारे में आपको बताया था। लेकिन आप अभी भी नहीं जानते कि इंडिया के पहले एक्टर और एक्ट्रेस कौन थे तो तुरंत सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल पॉडकास्ट वीडियोस को, अपडेट रहिए हर एक खबर से। आज हम आपको बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार दिलीप कुमार की फिल्म जुगनू के बारे में जानकारी देंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 1947 में आई इंडियन म्यूजिकल रोमांस की स्टोरी पर बनी इस फिल्म को पाकिस्तानी एक्टर शौकत हुसैन रिवाजी ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म से पहले भी शौकत ने कई हिट्स फिल्में दी हैं, जैसे कि खानदान, नौकर, दोस्त। आपको बता दें कि खानदान शौकत की पहली हिट फिल्म थी जिसमें प्राण और नूर जहन की जोड़ी दिखाई गई थी और इस फिल्म की सक्सेस के बाद शौकत ने नूर के साथ निकाह कर लिया। शौकत मेनली पाकिस्तान के फेमस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में से एक है क्योंकि पार्टीशन के बाद वो अपनी वाइफ के साथ पाकिस्तान में जाकर सेटल हो गए थे। शौकत ने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया है। इस फिल्म में दिलीप कुमार और नूर जहर के साथ गुलाम मोहम्मद जिलो, लातिका, शक्शीला अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए। वहीं मशहूर प्लेबैक सिंगर मोहम्मद राफी इस फिल्म में कैमियो करते हुए नजर आए थे। इस फिल्म में दिलीप कुमार सूरज के किरदार में नजर आए थे। गुलाम मोहम्मद ने सूरज के पिता की भूमिका निभाई थी, वहीं जिलो बाई सूरज की माँ के रोल में नजर आए थे। फिल्म में नूर जहन जुगनू के किरदार में नजर आई थी और शक्शीला ने सूरज की बहन की भूमिका निभाई थी। लातिका इस फिल्म में जुगनू की सहेली के किरदार में नजर आई थी। इस फिल्म की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में आप इस स्टोरी के कलेक्शन को जानकर हैरान हो जाएंगे। सूरज एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है। जुगनू से उसकी मुलाकात तब होती है जब वह सुसाइड करने के लिए एक क्लिफ से कूद रहा होता है, मगर जुगनू सूरज को बचा लेती है। लेकिन रियलिटी में ये सब एक नाटक रहता है जो सूरज और उसके दोस्त जुगनू और उसकी फ्रेंड्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनाती है। जैसे ही जुगनू और उसकी सहेली डिस्ट्रैक्ट हुई, वैसे ही सूरज के दोस्त गर्ल्स के द्वारा बनाए हुए खाने को चुरा लेते हैं। ये सब एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और हॉस्टल में ही रहते हैं। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में सूरज और जुगनू को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जुगनू की देखभाल उसकी फ्रेंड के पिता ने करी होती है और वो ऑर्फन होती है। और इसी बीच सूरज की फैमिली को भी पता चलता है कि सूरज जुगनू से प्यार करता है और जुगनू एक बार बहुत ही पुअर लड़की है। एक राज और खुलता है। एक दिन सूरज के पिता उसको बताते हैं कि आप उसकी फैमिली रिच नहीं रही, उनके पास उनका बंगलो भी नहीं रहा। सूरज को ये भी पता चला कि उसके पापा के पास हैवी लोन का बर्डन है, जिस कारण सूरज की फैमिली वाले उसके अरेंज मैरिज करवाना चाहते हैं, पर उसके अरेंज के वेल्दी फैमिली में करवाना चाहते हैं जिससे डाउरी में पैसों से अपना कर्जा चुका सके, अपनी नॉर्मल लाइफ वापस जी सके। सूरज इन बातों को साफ इनकार कर देता है और बहुत सरप्राइज होता है सुनकर। और अब जुगनू से उसकी शादी हो सकती है नहीं, ये तो पता नहीं। लेकिन सूरज की माँ जुगनू के पास जाकर उसे अपनी कंडीशन बताती है और उसे कहती है कि वह सूरज को छोड़ दे। जुगनू भी सूरज की माँ को प्रॉमिस कर देती है कि वह सूरज के लाइफ से चली जाएगी। और यहीं से मूवी के इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। अब क्या सूरज और जुगनू दोबारा मिलेंगे? क्यों उन दोनों के बीच डिफरेंसेस सॉर्ट आउट हो पाएंगे? क्या ये दोनों अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देंगे? यही तो मूवी के सेंट्रल प्लॉट है जिसे देखकर इमोशनल को भी हो जाएगा। ये म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म थी जिसमें 8 गाने थे। रोज निजामी ने इस फिल्म में बहुत ही शानदार गाने दिए थे, जिस टॉप लिरिस्ट अबीद शाहनपुरी ने और असगर शारदी ने लिखा था। इसके अलावा एक सोलो सॉन्ग भी मोहम्मद राफी ने गाया था। रोशन आरा बेगम और शमशाद बेगम ने भी एक एक गाने गाए। इंडिपेंडेंस के टाइम 23 में 1947 को रिलीज हुई यह फिल्म 1947 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी। ये फिल्म दिलीप कुमार की पहली सुपरहिट फिल्म थी, जिसके बाद दिलीप कुमार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड कहलाने लगे थे। यानी कि फिल्म के बाद दिलीप कुमार कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज तक अभी तक कोई भी पहुंच नहीं पाया है जहां पर वो है। एएस उस्मानी के द्वारा लिखी गई ये कहानी शौकत आरी आर्ट प्रोडक्शन के अंडर आती है। इस फिल्म ने 50 लाख का कलेक्शन किया था। ये अमाउंट भले ही आपको कम लग रहा है, मगर उस वक्त सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी थी। और अगर आज के टाइम से 50,663 करोड़ रुपए कमाए थे, जो आज का टाइम बहुत ही ज्यादा कम मूवीज कर पाती। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मैं हूँ पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है मुस्कान गुप्ता।